वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के ग्राम सलावा के निवासी फौजी शिवम सोम ने अपने ही गांव के लड़के राजा सोम को पैर के ऑपरेशन के दौरान 1,00,000 रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर राजा सोम ने फौजी शिवम सोम और उनके भाई पर 7-8 लड़कों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। बता दें, लड़कों के साथ मिलकर फौजी शिवम सोम और उनके भाई पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया गया था। चाकू से किया गया वार इतना खतरनाक था कि चाकू का आधा हिस्सा कमर में ही रह गया था, जिसको ऑपरेशन के दौरान ठीक कराया गया। इसके बाद सल्धना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें राजा और जसवीर हिरासत में लिए गए, लेकिन अभी तक बाकी के 6 मुजरिम खुले घूम रहे हैं। इसके लिए फौजी शिवम सोम सलावा चौकी के इंचार्ज गजेंद्र सिंह के पास पहुंचे और उनसे 6 मुजरिमों को पकड़ने की अपील की, जिस पर चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने फौजी शिवम सोम से अभद्र व्यवहार करते हुए साफ कह दिया कि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और गंदी गालियाँ दी, मारपीट की और साथ ही अंदर बंद कर दिया। सुनिए फौजी शिवम सोम से कि किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है मेरठ पुलिस के द्वारा फौजियों के साथ। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। सर, मेरा नाम शिवम सोम है, मैं ग्राम सलावा का निवासी हूँ। सर, 30 मई 2022 को मैं और मेरा बड़ा भाई विजय प्रताप सोम सलावा गांव में छुट्टी आए हुए थे। हमारे गाँव का एक लड़का है राजा सोम, जिसके पैर के ऑपरेशन के समय हमने उसे 1,00,000 रुपये उधार दिए थे। हमने उससे उसके लेन देन की बात की थी कुछ दिन पहले। 30 तारीख की शाम को उसने हमें पास के शिव मंदिर में बुलाया। वहाँ पर 7-8 लड़के खड़े कर रखे थे। उसने उन लड़कों के साथ मिलकर मेरे भाई के ऊपर चाकू से लोहे की रोड से हमला किया। चाकू का आधा हिस्सा टूटकर मेरे भाई की कमर में रह गया सर। उसका हमने मेरठ के न्यूटिव हॉस्पिटल में इलाज कराया, ऑपरेशन करा के वो निकलवाया। मेरे भी उन्होंने रोड मारी, मेरे भाई का सिर फाड़ दिया, पैर का मांस पड़ गया। हमने इसका मुकदमा सरना थाने में लिखवाया, धारा 307 लगी, 2 मुलजिम जेल गए। राजा खुद पेश हुआ, जसवीर को हमने पकड़ के पुलिस को दिया। उसके बाद अभी तक 6 मुलजिम जेल नहीं गए हैं, जो खुले घूम रहे हैं। इसके लिए मैं सलावा चौकी पर गया, जो सलावा चौकी इंचार्ज अभी गजेंद्र सिंह है, इसके विवेचनाधिकारी। मैंने उनसे बात की, परसों की बात है सर, 27 तारीख की। मैंने बड़े सम्मान से उनसे पूछा कि सर हमारे मुकदमे में क्या चल रहा है। उन्होंने सर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा पहले तो कि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैंने कहा सर क्यों नहीं होगी। इस बात पर उन्होंने मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मैंने उसका विरोध किया तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे साथ मार पिटाई की, मुझे अंदर बंद कर दिया। जब मेरे पिताजी वहाँ पर आए, उन्होंने मेरे पिताजी के साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की। सर, मैं एक सोल्जर हूँ, सोल्जर के साथ अगर ऐसा हो रहा है, मैंने उन्हें अपना परिचय भी दिया। सर, मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ हॉर्स राइडिंग में, 40 नेशनल मेडल अपने नाम कर चुका हूँ। मेरा बड़ा भाई विजय प्रताप सोम 150 मेडल अपने नाम कर चुका है, देश के लिए खेलते हैं हम। हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, जो ये लोग हैं सिविलियंस लोग हैं, वो दरोगा उनके साथ क्या करेगा, वो तो उनको मार देगा। सर, जो विपक्ष लोग हैं वो खुले बोल रहे हैं कि हमने 2,00,000 रुपये ऐसा ही गजेंद्र को दिए हैं। वो 307 हटाने की और सिब्बू नाम के लड़के के यहाँ नाम निकालने की उसमें बात कर रहा है। वो पूरी तरह विपक्ष से मिला हुआ है और मैं विवेचना अधिकारी को चेंज कराने के लिए, और मेरे साथ जो बदतमीजी हुई है, एक भारतीय सेना के सोल्जर के साथ जो बदतमीजी हुई, मारपिटाई हुई, उसकी शिकायत लेकर आज SSP ऑफिस पहुँचा हूँ। मैं आज SSP ऑफिस में मिलूँगा। मैं सर इससे पहले भी 3 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी कार्रवाई यहाँ से नहीं होती है तो मैं लखनऊ जाऊँगा। लखनऊ भी नहीं होगी तो सर मैं आत्महत्या करूंगा, मरूंगा, लेकिन मैं इन लोगों को सजा दिला कर रहूँगा। ऐसा ही गजेंद्र सिंह को भी मुझे सजा दिलानी है, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान देनी पड़े, चाहे मुझे चौराहे पर जिंदा जलना पड़े। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? सर, मैं सहारनपुर में पोस्टिंग हूँ। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।